Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. सरकार के कड़े आदेशों और कार्रवाई के बाद भी गोतस्करी बढ़ती जा रही है। ऐसा ही मामला मेरठ के लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र से सामने आया है, जिसमें पुलिस ने शातिर गौतस्कर अभियुक्त शहजाद को गिरफ्तार किया है। बता दें, गौतस्कर शहजाद की पुलिस से मुठभेड़ भी हुई है। इस मामले में पुलिस अधीक्षक पीयूष सिंह ने जानकारी देते हुए बताया, शहजाद के गौतस्करी करने की सूचना सुबह 4 बजे पुलिस को मिली, जिसके बाद लिसाड़ी गेट पुलिस फोर्स द्वारा अभियुक्त की घेराबंदी की गई। अभियुक्त ने खुद को पुलिस से घिरा देख पुलिस पर जानलेवा हमला किया। इसी के चलते पुलिस ने भी आत्मरक्षा फायरिंग की, जिसमें अभियुक्त के पैर में गोली लग गई, जिसके बाद अभियुक्त को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं गौतस्कर शहजाद का साथी शफान अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। देखिए पुलिस अधीक्षक पीयूष सिंह की रिपोर्ट। थाना लिसाड़ी गेट पर गोकशी के अभियोग में वंचित चल रहे अभियुक्त शहजाद के ग्राम बजोट में होने की सूचना आज प्रातः 4 बजे प्रभारी निरीक्षक लिसाड़ी गेट को प्राप्त हुई थी। इस सूचना के आधार पर प्रभारी निरीक्षक लिसाड़ी गेट द्वारा मैं फोर्स के अभियुक्त की घेराबंदी की गई। अपने आप को घिरा देखकर अभियुक्त के द्वारा पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। पुलिस द्वारा आत्मरक्षा की गई फायरिंग में अभियुक्त शहजाद के पैर में गोली लगी है, जिसे उपचार हेतु जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसका एक और साथी सफान अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से भागने में सफल रहा है, जिसकी तलाश की जा रही है। आपको बता दें, सीबीआई का मानना है जिस संख्या में गायों की तस्करी होती है उसे केवल 5% बीएफएस जवान रोक पाते हैं, बाकियों को या तो जानकारी कम मिलती है या फिर मिलीभगत होती है। अभी के लिए इतना ही। हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपनी इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर।